मुझे घर में प्यार नहीं होगा किसी से, मेरे को इतने सालों में कहीं किसी से नहीं हुआ, जब यू नो इट्स लाइक देयर इज इनफ फिश इन द ओशन, इतनी सारे लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया अब तक नहीं हुआ, तो वहाँ घर में क्या होगा। आई विल टेल बिग बॉस कि ये फेयर नहीं है और ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस कांट लेट दिस हैपन, आई विल नॉट एक्सेप्ट ओनली। तो गलत बात है, मैं मानूंगी ही नहीं, मुझे चीटिंग से हराना और झूठ बोल के हराना ये सब अनफेयर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विल फाइट फॉर इट। सो वी हैव जैस्मिन बसीन जॉइनिंग अस एंड शी इज गोइंग इनसाइड द बिग बॉस 14 हाउस एंड बिफोर शी स्टेप्ड इन, सो वी आर गोइंग टू गिव हर सिचुएशंस दैट माइट हैपन एंड क्रॉप अप इनसाइड द बिग बॉस हाउस एंड लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स टू देम। हम लोग देखेंगे अंदर जब वो जाएंगी, पर अभी जान लेते हैं उनसे कि क्या करेंगी वो। तो जैस्मिन, बिग बॉस के लिए तो बहुत मतलब ये होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है मेंटली एंड फिजिकली, बिकॉज यू नो दे पुट यू इन ट्रिकी सिचुएशंस। आई वांट टू गिव यू सिचुएशंस एंड आई वांट टू नो व्हाट वुड यू डू। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन घर का खाना कम पड़ जाए, कि राशन खत्म होने को है या फिर राशन कम है या खत्म हो गया है या बिग बॉस ने राशन दिया ही नहीं। देन आई विल टेल बिग बॉस कि राशन दे दो, अब कम पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, सब लोग भूखे ही रहेंगे। अगर नहीं दिया तो हिस्ट्री में है कि उन्होंने कभी दिया नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, वो दे देते हैं। नहीं, कम पड़ जाए तो मतलब जितना दिया उतना कम पड़ जाए तो नहीं देते। हाँ, तो कम पड़ने वाली नौबत ही नहीं आने दूंगी, पहले ही सबको बोल दूंगी अभी तरीके से खाओ वरना अंदर भूखे रहना पड़ेगा। बट आर यू one of those kinds who's like a fighter or are you one of those calm composed people? I am moody and I am unpredictable. Some days I'm very calm, I'm very happy, I'm very chill. Some days I am very ladaku, which is good, which is what the game of Big Boss is. Second, ye is suppose you are playing a luxury task like to win the luxury budget and you feel that cheating is happening, ki aapko hara diya par cheating se haraya. तो गलत बात है, मैं मानूंगी ही नहीं, मुझे चीटिंग से हराना और झूठ बोल के हराना ये सब अनफेयर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विल फाइट फॉर इट। एंड व्हाट वुड यू डू, बिकॉज़ यूजुअली इट्स लाइक अ होल कैकोफनी। आई विल टेल बिग बॉस कि ये फेयर नहीं है और ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस कांट लेट दिस हैपन, आई विल नॉट एक्सेप्ट ओनली द डिसीजन। व्हेन यू आर सीक्रेटली टॉकिंग अबाउट समबडी, लाइक कन्फाइडिंग इन समबडी अबाउट सम पर्सन, and you find out that that person was backstabbing you, then I will never speak to that person again because that person betrayed my trust. What if somebody abuses you or gets physically violent with you? Physically violent to is not allowed. I'll make sure Big Boss takes a major action against him. And if that person is abusing me, he is not doing anything bad to me. Wo apna hi bad side duniya ko dikha raha hai. So I will just ignore him. And I will tell him that you know what you're doing, ये इससे आप ही बुरे दिख रहे हो कि आप किस तरीके के इंसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे कोई नहीं लगते, तो आप मुझे अब्यूज करो, कुछ भी बोलो, I just don't care. What if somebody is hitting on you inside the house? वो तो ना बहुत मेरे लिए फनी सिचुएशन हो जाती है, मतलब I'm the worst at such situations. Like I've grown up with all cousins and boys and I've always had boys only my friends. तो मुझे बहुत ही हंसी आ जाती है and I just can't you know take it and react to it as how a girl would do and it becomes a very comical situation for me. What if somebody you like inside the house likes somebody else? That would be a nice thing because you know I would never like somebody like that in the house. No, but what if you like that person? मतलब आपको किसी से प्यार हो जाए और उसको किसी और से प्यार हो जाए। वही तो, मुझे घर में प्यार नहीं होगा किसी से। अच्छा, you're very sure of it? मेरे को इतने सालों में कहीं किसी से नहीं हुआ, जब यू नो इट्स लाइक देयर इज इनफ फिश इन द ओशन, इतनी सारे लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया अब तक नहीं हुआ, तो वहाँ घर में क्या होगा। व्हाट इफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु यू रियली लाइक गेट्स एविक्टेड बिफोर यू? ओ, आई विल बी वेरी सैड एंड यू नो आई विल रियली मिस हिम, बट आई विल assure him that now I'm going to play stronger and harder so that I compensate for his win also. Suppose you're in a situation where your closest buddy inside the Big Boss house is wrong and somebody who is like your sworn enemy, like somebody who doesn't like you, is in the right position and you have to make a choice. See, it doesn't matter, he's a friend or enemy, what is wrong is wrong. And if my friend is wrong, I will tell him you're wrong because I am not somebody who adjusts or who creates that gray area for me. What is wrong and what is right is right. An enemy can also be right at times. But would you vote that person out, like the friend out? If he's wrong, he's wrong, yes. So all the best. You are very headstrong and I can see that you have
I think you are one of the finalists for us. So I've been telling people that I hope that peace wins this year. And, you know, we go back to the older version of Big Boss where violence and because there is the COVID situation. So I hope that those physical fights don't happen at all. And all the best. Thank you so much. You too. Take care.